सिंगला जी, अभिजीत मुखर्जी जी, हमारे कैंडिडेट शंकर मलाकर जी, सुनील तिरके जी, अशोक भट्टाचार्य जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, गठबंधन के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ आज मैं बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज हम ठाकुर पंचानंद वर्मा जी, आदिकवि मनुभक्त आचार्य जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, विधान रॉय जी जैसे महापुरुषों की याद करते हैं। इन लोगों ने बंगाल की नींव रखी और आज जो बंगाल है इसको बनाने में इनका हाथ है। असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु, बंगाल, असम में चुनाव हो रहे हैं और यहां से पहले मेरे वहां दौरे लगे। असम में आप जानते हो बीजेपी ने क्या किया, वही काम वो तमिलनाडु में कर रहे हैं। चुनाव के समय मैंने लोगों से पूछा क्या लगता है आपको, असम के लोग कहते हैं हमारे प्रदेश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी हिस्ट्री पर आक्रमण हो रहा है। तमिलनाडु के लोग भी यही कहते हैं और बंगाल में भी यही काम हो रहा है। आप देखिए जहां भी बीजेपी जाती है, आरएसएस जाती है, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, वहां पे नफरत फैलनी शुरू हो जाती है। सही बात है, सही बात है। जहां भी जाते हैं भाईचारे की बात, जोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने का काम ये करते हैं। इनका ये डीएनए, इनको और कुछ मालूम ही नहीं। असम में जाएंगे लड़ाई करवाएंगे, उत्तर प्रदेश में रायट करवा दिए, लड़ाई करवा दी, आग लगवा दी। तो ये जहां भी जाते हैं इनकी शुरुआत नफरत होती है। अब आप देखिए 7-8 साल पहले वाला हिंदुस्तान याद करिए और आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसको देखिए। एक साल पहले कोरोना आया, पिछले साल फरवरी में मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा नरेंद्र मोदी जी कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है, आप तैयारी करिए, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम शुरू कीजिए, मजदूरों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, छोटे बिजनेस वालों, दुकानदारों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए क्योंकि तूफान आने वाला है और ये ऐसा तूफान आएगा जिससे पूरे हिंदुस्तान को चोट लगेगी। ये हमारे प्रेस के मित्र बैठे हैं यहां पे, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, इन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है।
नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों कोरोना आया है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान से थाली बजवा दी। और पता नहीं क्या हुआ, हिंदुस्तान थाली बजा, उसके बाद कहते घंटी बजाओ, हिंदुस्तान घंटी बजाए, उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन निकालो, उसकी लाइट जला लो। अब देखिए, ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गहरी बात बोल रहा हूं, ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और ये एक्शन ले बजाए अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के बजाय मजदूरों के लिए रेलवे टिकट बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये 24 घंटे दिखा रहे, भैया देखो हिंदुस्तान घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहे, देखो घंटी बज रही, घंटी बज रही, सब जगह ताली बजाओ भैया, घंटी बज रही है। और आज उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए मेरे फोन पर भी वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ बोला उन्होंने? प्रेस वालों ने कुछ बोला? कुछ नहीं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये रखवाले हैं, इनका काम रक्षा, देश की रक्षा करने का है, ये रखवाले हैं, बिक गए हैं सब, सब के सब बिक गए हैं। 24 घंटा ये नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं, क्यों? भाई और बहनों बात समझो, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये 2-3 उद्योगपति मित्रों की सरकार है। और ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, ये आपके जो प्रधानमंत्री है, ये उनकी कठपुतली है, ये जो कहते हैं ये करते हैं, इनको सिर्फ भाषण देना आता है। ये जाते हैं बंगाल में, कह रहे हैं भैया सोना और बंगला बना दूंगा, टोपी पहन लेंगे, आसाम में जाएंगे गमछा पहन लेंगे, राइनो उठा लेंगे और कहेंगे भैया देखो बीजेपी को वोट दो और फिर नोटबंदी करेंगे, जीएसटी लागू कर देंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां पे भारी भारी भीड़ है, इस भीड़ में नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? कोई है यहां पे एक व्यक्ति जो कह सकता है हाँ भैया नरेंद्र मोदी ने फायदा करवा दिया? है कोई? नहीं है, एक नहीं है। कोई यहां पे एक व्यक्ति है जो बता बोल सकता है कि हाँ भैया घंटी ने मुझे कोरोना से बचा दिया? मोबाइल फोन से कोरोना भाग गया? हाँ, कोई नहीं। किसी भी दुकानदार से आप पूछ लो, छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, जो इस देश को रोजगार देते हैं, 50% रोजगार ये लोग देते हैं, छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, कोई छोटी सी दुकान चलाता है, इनसे आप पूछो भैया नोटबंदी से फायदा हुआ? हाथ जोड़ के कहते भैया नहीं, हमें तो बर्बाद कर दिया। फिर पूछो जीएसटी से फायदा हुआ? कहते नहीं, टैक्स लगा दिया। आज तक हमें नहीं, नहीं समझ आ रही बात, आज तक हमें जीएसटी नहीं बननी आ रही, हमारा बिजनेस खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। आज ये देश अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर सकता, ये सच्चाई है।
क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी रोजगार पैदा करने की रीढ़ की हड्डी है उसको नरेंद्र मोदी ने आरएसएस ने अमित शाह ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? नोटबंदी करके तोड़ा, जीएसटी लागू करके तोड़ा। जब कोरोना आया उनको एक रुपया नहीं दिया। बंगाल से लोग जानते हैं, आप लोग जानते हो, समझते हो, पूरे देश में आपके लोग जाते हैं काम करने, कहीं भी चले जाइए, मजदूरी आप लोग करते हो, आप खून पसीना देते हो। जब आप लोग वापस लौटना चाह रहे थे, कोरोना आया, नरेंद्र मोदी ने आपको बस टिकट दिया? नहीं दिया। दिया बस टिकट? रेलवे टिकट दिया आपको? नहीं। कहते नहीं मैं नहीं दूंगा। और जब हिंदुस्तान के लाखों मजदूर पैदल वापस हजारों किलोमीटर चल रहे थे, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, उसी समय नरेंद्र मोदी जी अपने दो तीन बड़े उद्योगपतियों मित्रों का टैक्स माफ कर लाखों करोड़ों का उनको दे दिया, कहा अर्थव्यवस्था चालू कर दी। अर्थव्यवस्था चालू कैसे होगी अगर जनता के हाथ में एक रुपया नहीं है? कैसे होगी? आपने पूरा का पूरा पैसा खींच लिया। दुनिया में पेट्रोल के दाम, तेल के दाम नीचे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम उठते जा रहे हैं, ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी, पूरा का पूरा ढांचा आपने रोजगार का ढांचा ही उड़ा दिया। और फिर आप बंगाल में आके टोपी पहन के कहते हो सुनहरा बंगाल ले लेंगे आपको, बाद में आप कहेंगे घंटी बजाओ, मोबाइल फोन चलाओ, खाली बजाओ और मरो, मेरा काम हो गया, नरेंद्र मोदी जी का काम हो गया, अब आप जानो आपका काम क्या है। और जहां भी जाते हैं करते हैं। एक के बाद एक झूठा वायदा, झूठा वायदा, झूठा। 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, सब जगह कहा इन्होंने दे दिया, मिल गया, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। याद है आपको? आ गया 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, 1 रुपया नहीं आया, हमने दिया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, राजस्थान में भी हमारी सरकार बनी, हमने किसानों का कर्ज माफ किया। हम जानते हैं आपके बिना काम ही नहीं हो सकता, हम जानते हैं कि आपके बिना अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती, छोटे दुकानदार के बिना नहीं चल सकती, रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। ये 2-3 जो उद्योगपति हैं नरेंद्र मोदी के जो मित्र, ये हिंदुस्तान को नहीं चलाते, हिंदुस्तान को आप लोग चलाते हो। चौबीस घंटा आप लोग काम करते हो, अपना खून पसीना लेते हो, और फिर जो आपका है वो उठा के 4-5 लोगों को पकड़ा देते हैं। यहां पे हमारे गुरखा भाई हैं, कितनी बार आपसे वायदा किया, कितनी बार आपसे कहा कि आपकी समस्या हल कर देंगे? 3 बार आपने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया, 3 बार दिया ना, 3 बार आपने दिया, हो गई आपकी समस्या, हो गया आपका काम। और लोकतंत्र पे पूरा आक्रमण, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए, जुडिशरी पर आक्रमण, इलेक्शन कमीशन पर आक्रमण, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, भाषण नहीं दे सकते हम पार्लियामेंट, चुप कर देते। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, यहां पे ममता जी का दे,
चीफ मिनिस्टर है, चुनाव का समय है, क्या वो शेख जी आपको बोल सकते हैं हाँ मैंने आपको रोजगार दिया? कह सकते हैं? क्यों नहीं बोलते? स्टेज में आके आप ये क्यों नहीं बोलते कि देखिए मैंने आपको इतने युवाओं को मैंने रोजगार दिया, इतने स्कूल कॉलेज मैंने खोले, इतनी यूनिवर्सिटीज मैंने बंगाल को दी, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बंगाल का हर युवा जानता है और समझता है कि बंगाल में उसको रोजगार नहीं मिल सकता, बाकी प्रदेश में जाना पड़ेगा, आज तक तो वहां नहीं मिलेगा। ये सच्चाई। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है सालों से कि आप एक साथ मिलके भाईचारे के साथ काम करते हो? एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हो प्यार से, ये आपके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है, ये आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप बढ़ जाओगे तो आप काहे ले जाएंगे, उन्हीं तीन चार लोगों को उठा के पकड़ा देंगे। एक बात याद रखिए, मुझसे पहले बोला, हमने कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस और बीजेपी के साथ कभी भी समझौता नहीं किया है, कभी भी अलायंस नहीं किया है। और ये याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, आपने कभी सुना है कि नरेंद्र मोदी ने कहा टीएमसी मुक्त भारत? नहीं। कभी सुना है? नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कांग्रेस ही उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, और कांग्रेस सिर्फ एक संगठन नहीं है। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस एक संगठन है, तृणमूल एक संगठन है, कांग्रेस एक संगठन है, मगर कांग्रेस एक विचारधारा भी है। और ये सालों पुरानी लड़ाई है, ये नई लड़ाई नहीं है। और उनकी विचारधारा ने हमारे सबसे बड़े नेता की हत्या की है, महात्मा गांधी की हत्या उनकी विचारधारा ने की है, और हम कभी भी उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। मगर याद रखिए, तृणमूल ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, याद रखिए, यह फर्क है हमने और उनमें। कुछ भी हो जाए, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, हम उनका हाथ कभी नहीं पकड़ेंगे, मर जाएंगे मगर नहीं करेंगे, और जीते दम तक उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। और ये भी समझिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ममता जी से नहीं डरते हैं, वो जानते हैं कि ममता जी को वो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं वो जानते हैं। देखिए, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कर्नाटक में हो, हरियाणा में हो, असम में हो, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में हो,
भ्रष्टाचार किया है उसका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। सीधी बात, बीजेपी मुझे नहीं कंट्रोल कर सकती, मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं। और इसका कारण है भाई और बहनों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक रुपया नहीं चोरी किया है। ये कारण है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर बिना डरे बात कर सकता है। और मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं अपने बंगाली भाई और बहनों को बताना चाहता हूं, आपके सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस दिन बीजेपी की विचारधारा बंगाल के अंदर आ गई, उस दिन के बाद बंगाल में आग लगेगी लगेगी और उसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये इतना नफरत फैलाएंगे कि ये जो आपका प्यारा प्रदेश है ये जलेगा। याद रखना मैंने जो बोला है, मैं फालतू बात नहीं करता हूं, मैं सोच समझ के कहता हूं। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा बंगाल के लिए खतरा है, आपके भविष्य के लिए खतरा है और इनको रोकना पड़ेगा। इसीलिए आप हमारे कैंडिडेट का पूरा समर्थन कीजिए, इनको भारी बहुमत से जिताइए। अंत में अंबेडकर जी का जन्मदिन है, कल आपका नया साल शुरू होता है और रमजान का पहला दिन, तो आपको मैं दिल से बधाई देता हूं। और एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बंगाल आप सबका है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये किसी एक सोच का नहीं है, ये आप सबका है और आप सब मिलकर ही इस प्रदेश को आगे ले जा सकोगे। अगर आपने लड़ाई कर दी, अगर आप बट गए, ये प्रदेश आगे कभी नहीं जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।